नमस्कार, मैं अकरम आप सभी का स्वागत करता हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। दुनिया की सबसे ताकतवर दूरबीन केपलर आज के दिन की गई थी लॉन्च। 7 मार्च का दिन अंतरिक्ष के इतिहास में बेहद अहम है। इसी दिन 2009 में दुनिया की सबसे ताकतवर दूरबीन केपलर को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। केपलर दूरबीन सूरज की परिक्रमा करती थी और सौर मंडल व तारों की टोह लेती थी। केपलर दूरबीन की मदद से हजारों नए एक्सोप्लैनेट की खोज की गई। एक्सोप्लैनेट उस ग्रह को कहते हैं जो हमारे सौरमंडल में ना होकर किसी और तारामंडल में पाए जाते हैं। केपलर से कुछ ऐसे भी ग्रहों का पता चला जहां हमारी धरती के मुकाबले कई गुना ज्यादा पानी है। केपलर दूरबीन ने करीब 9 साल तक अपनी सेवा दी और 15 नवंबर 2018 को इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। रघुनाथ राव ने आज के दिन अंग्रेजों के साथ की थी सूरत की संधि। पेशवा बाजीराव प्रथम के पुत्र रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि 7 मार्च 1775 को हुई थी। रघुनाथ राव को राघोवा के नाम से भी जाना जाता है। सूरत की संधि के तहत अंग्रेजों ने राघोवा को पेशवा बनाने और सैनिक सहायता देना, जबकि राघोवा ने साष्टी, बसई, भड़ौच और सूरत जिलों की आय का कुछ भाग अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था। राघोवा अपने बड़े भाई बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नारायण राव को पेशवा बनाने के खिलाफ था, इसलिए राघोवा ने बंबई जाकर अंग्रेजों से सहायता मांगी और 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। शेख मुजीब ने आज के दिन किया था बांग्लादेश की स्वतंत्रता का आह्वान। 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का आह्वान किया था। जनसभा में लगभग 10 लाख लोग हाथ में बांस के डंडे लेकर मौजूद थे। उन लोगों ने ये डंडे अवज्ञा के प्रतीक के तौर पर ले रखे थे। शेख मुजीब के संबोधन के दौरान लगातार बांग्लादेश की आजादी के नारे लगाए जा रहे थे। जनसभा में मौजूद भीड़ पर नजर रखने के लिए पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहा था। शेख मुजीब ने इस दौरान पाकिस्तानी सैनिक शासन के खिलाफ लोगों को ललकारा था। यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत का आज के दिन हुआ था निधन। स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत का निधन 7 मार्च 1961 को हुआ था। वह देश के चौथे गृह मंत्री भी रहे। गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान देश को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना और हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1921 में गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।